गर्मी पड़ रही है, इस साल से ज्यादा गर्मी कभी भी नहीं पड़ी है, तो क्या करें हम भरी दोपहरी में आपके घर आ जाते हैं सब लोग मिलकर और आप हमें रोज नए नए किस्से कहानी सुनाते हैं। आज कौन सी कहानी सुनाओगे मोदी जी बताओ? राहुल ये बात तो ठीक है, गर्मी तो बहुत ज्यादा पड़ रही है इस बार, तुम सब लोग भी इकट्ठे होकर मेरे घर आ जाते हो और रोज दो दो गिलास दही का ताजा शरबत पीकर जाते हूँ। आज मैं तुम्हीं से पूछता हूँ, बताओ कौन सी कहानी सुनाऊँ, मेंढक और शेर वाली कहानी सुना दूँ? मोदी जी आज जानवर या पक्षी वाली कहानी मत सुनाओ, किसी इंसान की कहानी सुनाओ, बहुत टाइम हो गया किसी इंसान की कहानी आपने नहीं सुनाई है, रोज पक्षी या जानवरों की कहानी सुनाते हो आप। तो अखिलेश चलो मैं आज एक कंजूस की कहानी सुनाता हूँ। बहुत टाइम पहले की बात है, एक गांव में एक कंजूस रहता था, बहुत ज्यादा अमीर था लेकिन अपने सारे धन को अपने सीने से लगा कर रखता था और खाना पीना तो ऐसा कि नमक और रोटी से ही पेट भरता था। अरे मोदी जी पेट तो भरता ही था, नमक या रोटी खाता था तो क्या हुआ, भूखा थोड़ी रहता था। योगी जी तुम बीच में मत बोलो, और तुम तो ऐसी बातें करोगे ही क्योंकि तुम भी बहुत पैसा बचाती हो। एक दिन उसने सोचा कि आम का मौसम चल रहा है, रोज तो नमक रोटी खाता ही हूँ, आज मीठे मीठे आम खरीद कर लाता हूँ और आम खाऊंगा मैं। और बाजार में आम खरीदने के लिए वो निकल पड़ा और एक दुकानदार के पास जाकर बोला, आम क्या रेट दिए और ये आम कैसे हैं? दुकानदार बोला, आम तो सहज से ज्यादा मीठे हैं और आप पहली बार मुझसे आम खरीदने आए हो तो सस्ते लगा दूंगा। लेकिन कंजूस ने सोचा, ये आम सहज से ज्यादा मीठे कैसे हो सकते हैं, तो मैं इसके आम क्यों खरीदूं, शहद ही ना खरीद लेता हूँ, शहद ही खा लूंगा। फिर वो शहद वाले की दुकान पर गया, शहद वाले से बोला, शहद क्या रेट दिया है, शहद प्योर तो है? शहद विक्रेता बोला, मेरा शहद बिल्कुल प्योर है, गंगा जल की तरह शुद्ध। बोले जी कहानी तो बहुत अच्छी लग रही है, और फिर आगे क्या हुआ बताओ बताओ। फिर क्या उस कंजूस ने सोचा, ये तो अपने शहद को गंगा जल की तरह शुद्ध बता रहा है, तो मैं शहद क्यों खरीदूं, गंगा जल ही ना पी लेता हूँ। पास में ही गंगा नदी बह रही थी, वहां जाकर उस कंजूस ने गंगा जल पी लिया। मोदी जी आज तो आपकी कहानी में मजा आ गया। मोदी जी कल भी ऐसी कहानी सुनाना, बहुत मजा आया आज की कहानी में। और भाई लोगों वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।